जून महीने में ग्रहों की चाल बिगाड़ेगी इन राशियों की ताल। सात राशियों को मिले जुले नतीजे भी मिलेंगे और रहना होगा सावधान भी। ग्रहों की चाल बिगाड़ सकती है खेल, कुछ उपाय करने से मिलेगी बड़ी राहत भी। सभी दर्शकों को मेरा गुरमीत बेदी का नमस्कार। जून 2023 के मासिक राशिफल के पार्ट टू में, पार्ट एक के बारे में मैंने आपको पिछली पोस्ट में बताया और पार्ट टू में आपका स्वागत है। जून का महीना ज्योतिष की दृष्टि से बेहद खास रहने वाला है। इस महीने ग्रहों का महापरिवर्तन होगा और ग्रहों का ये खेल जो है कई राशियों की जिंदगी में कई तरह के बदलाव लेकर आएगा। कुछ राशियों के लिए ये बदलाव बहुत शानदार होंगे, कुछ राशियों को सावधान रहना होगा और कुछ राशियों को मिले जुले फल जो हैं वो जून महीने में मिलेंगे। पिछली पोस्ट में मैंने उन राशियों का जिक्र किया था जिनके लिए जून 2023 में ग्रहों की चाल बहुत शानदार रहने वाली है और इन राशियों में मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि, धनु राशि और मकर राशि शामिल थी जिनके लिए जून महीने में ग्रहों का गोचर बहुत उम्दा रहेगा। और आज उन राशियों की मैं पार्ट टू में जिक्र करने जा रहा हूं जिन्हें मिले जुले फल मिलेंगे, जिन्हें थोड़ा सावधान रहना होगा। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इसी जून महीने में शनिदेव वक्री हो जाएंगे, उल्टी चाल चलने लगेंगे, बुध ग्रह पहले अपनी राशि बदलेंगे फिर अस्त हो जाएंगे, सूर्य ग्रह शुक्र की शत्रु राशि से निकल करके अपने मित्र बुध की मिथुन राशि में आ जाएंगे, मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन टूटेगा, यानी जून 2023 महीने में ग्रहों का बड़ा खेल होगा और इसे आप महाखेल भी कह सकते हैं जो सभी 12 राशियों को प्रभावित करेगा। अगर मैं अपनी पोस्ट में सभी 12 राशियों के मासिक फलादेश का एक साथ उल्लेख करता तो पोस्ट लंबी हो जाती, तो लंबी पोस्ट को देखना नहीं चाहता, इसलिए मैंने जून महीने के मासिक भविष्य फल को दो कड़ियों में बांट दिया था। पहली कड़ी में मैंने उन राशियों के बारे में बताया था जिनके लिए जून 2023 शानदार रहने वाला है और आज उन राशियों की चर्चा करने जा रहा हूं जिनके लिए मिला जुला भी रहने वाला है और जिन्हें थोड़ा संभल कर भी रहना है। साथ ही ये भी बताऊंगा कि कौन सा उपाय आपको करना चाहिए। तो मित्रों, जून महीने में ग्रहों के बदलाव की शुरुआत 7 जून से हो जाएगी जब ग्रहों के राजकुमार कहे जाने वाले बुध ग्रह अपने शत्रु मंगल की मेष राशि से निकल करके शुक्र ग्रह जो उनके मित्र ग्रह हैं उनके वृषभ राशि में गोचर करेंगे। और बुध ग्रह हमारे ज्योतिष में हमारी बुद्धि, विवेक, वाणी के प्रतीक हैं, बिजनेस के कारक हैं और ये सेंस ऑफ ह्यूमर के, विनोदी स्वभाव के कारक भी हैं। और कुंडली में बुध अच्छी स्थिति में होते हैं तो अच्छे स्वास्थ्य और तेज बुद्धि की प्राप्ति होती है। 7 जून को जब वो मित्र राशि में आएंगे तो अच्छी खबरें भी लेकर आएंगे। इसके बाद अगला बदलाव होगा सूर्य का और सूर्य 15 जून को अपने शत्रु यानी शुक्र की वृषभ राशि से निकल करके अपने मित्र बुध की मिथुन राशि में गोचर करेंगे। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं, ये वायु तत्वों की राशि है, सूर्य देव अग्नि तत्वों प्रधान ग्रह हैं। सूर्य का प्रवेश जब वायु तत्व की राशि में होता है तो गर्म हवाओं का प्रभाव बढ़ने और भीषण गर्मी पड़ने लगती है। सूर्य का मिथुन राशि में गोचर हर व्यक्ति को जीवन में अलग अलग रूप में प्रभावित करेगा। जून महीने में बुध ग्रह और सूर्य ग्रह के राशि परिवर्तन के बाद एक बहुत बड़ा ज्योतिषीय घटनाक्रम होगा जब शनिदेव 17 जून को कुंभ राशि में वक्री हो जाएंगे। वो अभी भी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और जब वे 17 जून को वक्री हो जाएंगे तो हर राशि पर प्रभाव डालेंगे। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि शनि के वक्री होने के साथ ही ग्रहों के बदलाव का सिलसिला थमेगा नहीं। 17 जून को शनि वक्री होंगे, उसके 2 दिन बाद 19 जून को ग्रहों के राजकुमार बुध ग्रह वृषभ राशि में अस्त हो जाएंगे। जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो अपनी शक्तियां खो देता है। जून महीने में फिर बड़ा बदलाव बुध ग्रह में ही देखने को मिल रहा है, यानी बुध ग्रह सबसे ज्यादा हलचल मचा रहे हैं। पहले 7 जून को राशि बदल रहे हैं, 19 जून को अस्त होने जा रहे हैं, उसके बाद 24 जून को अपने मिथुन राशि में गोचर करेंगे। ये तो था जून महीने में ग्रहों का कब कब और क्या क्या बदलाव होने जा रहा है। और अब मैं उन राशियों का जिक्र करने जा रहा हूं जिनके लिए यह महीना मिला जुला रहने वाला है और उनमें पहली राशि वृषभ राशि है। वृषभ राशि वालों पर काम का अत्यधिक बोझ बढ़ने वाला है। आपको अपने कार्यों पर लक्ष्य केंद्रित करने की जरूरत है। आपको काम निपटाने के लिए जल्दबाजी करने से बचना होगा, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है। लेकिन यहां अच्छी बात यह है कि आपको कदम कदम पर अपने परिवार का सहयोग मिलेगा, आप सेविंग करने में कामयाब रहेंगे, लेकिन आपको अपनी वाणी पर और व्यवहार पर संयम रखना होगा। दूसरी राशि मिथुन राशि है। जून महीने में ग्रहों का गोचर आपके लिए मिले जुले फल देने वाला होगा। आपके आय के साधन बढ़ सकते हैं जिससे आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, लेकिन लव पार्टनर और जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकते हैं, दूरियां बढ़ सकती हैं, कोई करीबी व्यक्ति आपसे विश्वासघात कर सकता है जिससे आपको मानसिक पीड़ा भी होगी। अगली राशि सिंह राशि है और ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार सिंह राशि के बिजनेस
और नौकरी करने वाले लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, नए प्रस्ताव मिल सकते हैं, यात्रा से लाभ की स्थिति बनेगी। लेकिन बड़े भाई के साथ तकरार हो सकती है, घर में बुजुर्गों का स्वास्थ्य प्रभावित होने से परेशानी हो सकती है, कोर्ट कचहरी के मामलों में थोड़ा निराशा का सामना करना पड़ सकता है, विदेश जाने के लिए फाइल लगाई है तो थोड़े समय के लिए अटक भी सकती है। इसके बाद कन्या राशि आती है। कन्या राशि वालों को इस महीने पहले 10 दिन अधिक संघर्ष करना पड़ेगा, सेहत प्रभावित हो सकती है, सेहत के प्रति किसी तरह की लापरवाही ना बरतें। आपके अपने मित्रों के साथ भी संबंध प्रभावित होंगे और कुछ मित्र आपका विरोध करते भी नजर आ सकते हैं। इस अवधि में आपको लगेगा कि आपके अपने लोग आपके साथ परायों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन महीने का अंतिम पक्ष जो सेकंड पार्ट होगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके अटके हुए काम सिरे चढ़ने लगेंगे। लेकिन आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट से परहेज करना है और जुलाई महीने का इंतजार करना है। इसके बाद आती है वृश्चिक राशि। जून महीने में ग्रहों के गोचर के कारण वृश्चिक राशि वालों की जो आर्थिक स्थिति है थोड़ा पटरी से उतर सकती है, थोड़ा डिरेल हो सकती है। आपको इन्वेस्टमेंट से बचना होगा, किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन करने से पहले उसे पूरी तरह पढ़कर निश्चिंत होना होगा, अन्यथा कोई दिक्कत भी बाद में हो सकती है। आपको प्रेम प्रसंग में सावधानी रखनी होगी, आप पर कोई आरोप भी लग सकते हैं, संतान पक्ष को लेकर चिंता हो सकती है, परिवार के लोगों का सहयोग न मिलने के कारण क्रोध भी आ सकता है। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि पर शनि की 7.5 भी चल रही है और शनिदेव जून महीने में कुंभ राशि पे ही उल्टी चाल चलने वाले हैं, यानी वक्री होने वाले हैं। आपको वाहन सावधानी से चलाना होगा, कुछ आर्थिक समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, कार्यक्षेत्र में थोड़ा टेंशन हो सकती है, अपने कोलीग के साथ अपने बॉस के साथ थोड़ा टकराव हो सकता है। आपको खुद पर संयम रखना है, मानसिक तनाव को खुद पर हावी नहीं होने देना है। लेकिन 20 जून के बाद हालात आपके पक्ष में आते जाएंगे। अगर आपको नया वाहन या फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं तो आप अपने इस उद्देश्य में कामयाब हो सकते हैं। और अंत में रहेगी मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए जून 2023 का महीना मिला जुला रहने वाला है, कुछ अच्छी खबरें भी मिलेंगी और कार्यस्थल पर सहयोगियों के साथ थोड़ी तनातनी हो सकती है। संतान के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे, लेकिन परिवार के बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, डॉक्टरों के चक्कर काटना पड़ सकते हैं। आपके विदेशी संपर्क सूत्र इस महीने आपके काम भी आएंगे, अगर आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से जुड़ा काम करते हैं तो मुनाफा होने वाला है और विदेश जाने की योजना सिरे चढ़ सकती है। लेकिन पारिवारिक मोर्चे पर समय अच्छा रहने वाला नहीं है, क्योंकि आपके लाइफ पार्टनर या लव पार्टनर के सामने आपके पिछले प्रेम से जुड़ा कोई सबूत सामने आ सकता है, जिसके लिए आप हमेशा के लिए उनकी नजरों से थोड़ा आपको गिर सकते हैं, या संबंधों में जो है वो लंबे समय तक तल्खी रहने की संभावना है। तो ये था जून महीने का मासिक राशिफल, जिसको मैंने 2 पार्ट में प्रस्तुत किया। पहले पार्ट में मैंने उन राशियों के बारे में बताया जिनके लिए जून का महीना बहुत शानदार रहने वाला है, और दूसरे पार्ट में आज मैंने उन राशियों के बारे में बताया जिन्हें मिले जुले नतीजे भी मिलेंगे और थोड़ा सावधान भी रहना होगा। मैं इन राशियों के बारे में जिन्हें सावधान रहना है और जिन्हें मिले जुले नतीजे मिलेंगे उनसे ये कहना चाहूंगा कि शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल डालकर उसमें अपना चेहरा देखें और उस तेल को शनि मंदिर में दान कर दें या किसी गरीब को दान कर दें, और बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं, और गुरुवार के दिन जो गरीब स्टूडेंट्स हैं उनको अगर आप स्टेशनरी से जुड़ा सामान लेकर देते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। तो आज की पोस्ट में बस इतना ही। मेरे पेज से जुड़े रहिए, मेरे पेज को फॉलो करते रहिए। मैं गुरमीत बेदी।